to the introduction on fluxionality and the fluxionality or fluxional behavior of eta 3 allylic compounds. Now we will discuss about the fluxionality of eta 5 diinyl compounds. तो अब हम उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जो eta 5 diinyl compounds हैं उनके fluxional behavior को हम कैसे study कर सकते हैं with the help of dynamic NMR, उसकी study हम यहाँ पर करेंगे. तो diinyl, जैसा कि आप जानते हैं कि जो diinyl जो ligand है वो ऐसा ligand है जो कि 5 carbon atom के through भी जुड़ सकता है और 1 carbon atom के through भी जुड़ सकता है. तो यहाँ पर आप डिफरेंट एग्जांपल्स देखेंगे कि ये जो पार्ट है डाइइनाइल, ये जो ईटा 1 की तरह एक्ट कर रहा है और ये जो ईटा 5 की तरह एक्ट कर रहा है. तो यहाँ पर ये ईटा 1 की तरह एक्ट कर रहा है, यहाँ पर ये ईटा 1 की तरह एक्ट कर रहा है. ये एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो ये ईटा 1 है और ये ईटा 5 है दोनों. तो इस तरीके से डिफरेंट एग्जांपल्स हैं. ये जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर ये ईटा 1 है, ईटा 5 है. अगेन यहाँ पर सिलिकॉन का जो कॉम्प्लेक्स है यहाँ पर ये ईटा 1 की तरह एक्ट कर रहा है. तो जो डाइइनाइल जो ग्रुप है, लिगेंड है, ये ईटा 1 एज वेल एज ईटा 5 की तरह एक्ट कर सकता है एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड में. तो हेप्टिसिटी में भी ईटा 1 और ईटा 5. ये जो मॉलिक्यूल है एक आयरन का जो कॉम्प्लेक्स है, जहां पर आप देख सकते हैं कि दो तरीके के ईटा है, एक तो ईटा 1 है और एक ईटा 5 है. तो इस मॉलिक्यूल के फ्लक्सिनल बिहेवियर की स्टडी पाइपर एंड विल्किंसन ने 1953 में की थी और उसकी स्टडी जो है उन्होंने डायनेमिक एनएमआर से की थी कि ये जो कॉम्प्लेक्स है ये फ्लक्सिनल बिहेवियर शो करता है, इसको डायनेमिक एनएमआर से देखा गया. अगर हम इस ओवरऑल इस मॉलिक्यूल को देखें, इस मॉलिक्यूल में अगर हम इस मॉलिक्यूल की बात करें जहां पर ईटा 1 है, तो ईटा 1 जो रिंग है उसको अगर हम देखें तो आप देखेंगे यहां पर 3 तरीके के हाइड्रोजन मिलेंगे. एक हाइड्रोजन जो कि 8 और 9 पोजीशन पर है, एक हाइड्रोजन जो कि 7 और 10 पोजीशन पर, एक हाइड्रोजन जो कि 6 पोजीशन पर है. तो आप देखेंगे ये जो पोजीशन है ये आयरन की ओर है, ये जो 7 और 10 है उनमें भी थोड़ा सा आयरन का इन्फ्लुएंस है और जो 8 और 9 है वो डिफरेंट टाइप के प्रोटॉन्स है. तो होना क्या चाहिए, जब हम इसका एनएमआर देखें तो हमें कुछ इस तरीके का पीक मिलना चाहिए जिसमें कि आप देखेंगे कि ये जो सिंगल अटैच्ड प्रोटॉन है वो एक सिंगलेट दे रहा है और फिर आप देख रहे हैं कि H1 से H5 ये जो है ये पूरा का पूरा एक पीक दे रहा है. ये क्योंकि सारे के सारे कार्बन एक से हैं, सारे हाइड्रोजन एक से होंगे, ईटा 5 है और बाकी जो इसमें 7, 8, 9, 10 है ये सारे के सारे प्रोटोन एक साथ मिलते हैं जबकि इनको अलग अलग मिलना चाहिए. जो H7 से H10 है इनको अलग अलग मिलना चाहिए क्योंकि H7 और H10 अलग मिलने चाहिए, 8 और 9 अलग मिलने चाहिए. तो इसमें क्योंकि आपने देखा दो तरीके की रिंग्स हैं, एक रिंग तो ईटा 5 है, ईटा 5 का मतलब एक ही पीक आएगी, सिंगल पीक, तो इसकी वजह से तो एक पीक आएगी और अगर हम इसको देखें इसकी वजह से दो आ रही है जबकि 3 आनी चाहिए. तो इसकी स्टडी देखिए किस तरीके से की गई. तो जो दो जनरली क्या होता है रूम टेम्परेचर पर यानी 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर लगभग क्या मिलता है, अगर हम बात करेंगे तो केवल दो सिंगलेट मिलते हैं. यहां पर तो अभी ये अच्छा खासा पीक हमें दिखाई दे रहा है लेकिन अगर आप देखेंगे अभी आप आगे आने वाले समय में देखेंगे कि जो हमें पीक्स मिलते हैं वो हमें केवल दो मिलते हैं, कुछ इस तरीके के मिलेंगे, दो पीक मिलते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं मिलेगा. तो क्यों होता है ऐसा, बिकॉज फास्ट एक्सचेंज ऑफ प्रोटॉन्स ऑफ मोनोहेप्टोसाइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग. तो मैंने आपसे कहा जो एक्सचेंज हो रहा है वो मोनोहेप्टो में हो रहा है क्योंकि पेंटाहेप्टो तो जो है वो पांचों कार्बन से जुड़ा हुआ है लेकिन जो एक्सचेंज है वो मोनोहेप्टो में हो रहा है और इसमें रिंग विजिंग या रिंग वॉकिंग की वजह से इसमें फ्लक्सिनेलिटी है. ये हमने देखा भी था कि रिंग विजिंग होती है अगर ईटा 1 के थ्रू जुड़ा रहता है तो उसकी वजह से इसमें क्या होता है एक्सचेंज बहुत फास्ट होता है, ठीक है. तो यहां पर आप देखेंगे कि जो अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक रिंग्स होती हैं जहां पर सिग्मा बॉन्डिंग के थ्रू ये जुड़ा रहेगा वहां पर आप देखेंगे कि ये हमें फ्लक्सिनेलिटी दिखाई देगी. हेप्टिसिटी चेंज नहीं होगी, ईटा 1 है तो ईटा 1 ही रहेगी, वो चेंज नहीं होनी है हेप्टिसिटी. हेप्टिसिटी तो जैसे आपने देखा एलाइलिक ग्रुप में हेप्टिसिटी चेंज हुई थी लेकिन यहां पर क्या होगा हेप्टिसिटी हमेशा 1 रहेगी. Hepticity will not change in case of cyclopentadienyl ring. Relative position of the substituent will change. अभी आप देखेंगे कि जो relative position है वो change हो जाएगी.
और कभी कभी यहाँ पर आइसोमराइजेशन भी दिखाई देगा। तो अगर हम साइक्लोपेंटाडाइनाइल की बात करेंगे तो सब्स्टिट्यूएंट की रिलेटिव पोजीशन चेंज होने वाली है, हालांकि वो इंडिस्टिंग्विशेबल होगी, एप्टेसिटी चेंज नहीं होगी जैसे एलाइली ग्रुप में चेंज हो रही थी, और अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक रिंग्स चाहिए जैसे ईटा वन रिंग चाहिए, तो उस समय क्या होगा उसमें फ्लक्सुनैलिटी होगी। ठीक है, अब आप देखिए होता क्या है। एक्चुअली जब हम ईटा वन की बात करेंगे तो उसमें तीन तरीके के शिफ्ट हो सकते हैं मेटल के, 1-2 शिफ्ट, 1-3 शिफ्ट और रैंडम शिफ्ट। तो आप देखिए यहां पर मेटल 6 कार्बन से जुड़ी है। अब 1-2 शिफ्ट में क्या हो सकता है कि ये जो मेटल है वो यहां जुड़ जाए, तो देखिए 10 वाले से जुड़ गई। अब ये किससे जुड़ जाए, 9 वाले से जुड़ सकती है, 9 वाले से जुड़ गई। अब ये किससे जुड़ जाए, 8 वाले से जुड़ जाए, 8 वाले से जुड़ गई। अब यह क्या हो सकता है कि ये 7 वाले से जुड़ जाए। तो ये आप देख रहे हैं रिंग विजिंग कहते हैं एक्चुअली इसको, और ये 1-2 है लेकिन 1-2 शिफ्ट है। यहां पर आप देखिए 1-3 शिफ्ट, 1-3 शिफ्ट का मतलब ये जो मेटल सेंटर है वो यहां शिफ्ट हो सकता है। देखिए 9 में शिफ्ट हो गया, 9 से कहां शिफ्ट हो सकता है, 7 में। देखिए 7 में शिफ्ट हो सकता है, या फिर 7 से कहां शिफ्ट हो सकता है, 10 में। देखिए 10 में शिफ्ट हो गया, या फिर 10 से कहां शिफ्ट हो सकता है, 8 में शिफ्ट हो सकता है। तो ये जो शिफ्टिंग है ना, ये जो शिफ्टिंग हो रही है इसकी वजह से ये जो 6 नंबर का प्रोटॉन था जिसको अलग आना चाहिए था, वो देखिए मेटल यहां चला गया जो 6 नंबर का था वो 9 नंबर की तरह हो गया, वो किसकी तरह हो गया, 8 नंबर की तरह हो गया, वो किसकी तरह हो गया, 7 नंबर, यानी इंडिस्टिंग्विशेबल हो गया। जो 6 नंबर पर जो प्रोटॉन मैंने आपसे कहा था, जो 6 नंबर पर जो प्रोटॉन था ये इसको इंडिस्टिंग्विशेबल होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। कभी ये जो मेटल है ये 7 वाले से जुड़ जाएगा, कभी 8 वाले से, कभी 9 वाले से, कभी 10 वाले से। तो इस तरीके से जो सारे प्रोटॉन्स है ना वो एक से दिखाई देंगे, क्योंकि एक्सचेंज हो रहा है, रिंग विजिंग हो रही है, और रिंग विजिंग इतनी फास्ट हो रही है कि वो एनएमआर में नहीं आ पाएगी, और इस पूरे का केवल एक ही पीक हमें दिखाई देगा। और एक पीक किसका दिखाई देगा, तो एक पीक किसका दिखाई देगा, एक पीक किसका दिखाई देगा, तो एनएमआर पे केवल दो ही पीक दिखाई देंगे, जबकि इसके पीक हमें दिखाई देने थे क्योंकि इसमें तीन तरीके के प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं। फिर आप देखेंगे कि यहां पर ये अब 1-3 शिफ्ट में भी आप देख सकते हैं कि जो जो पोजीशन है, क्योंकि M की जो जुड़ने की जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है, इसलिए जो प्रोटॉन्स का जो नेचर है वो सबका एक सा हो जाएगा। तो 1-3 शिफ्ट में भी पॉसिबल, 1-2 शिफ्ट में भी पॉसिबल, और दोनों तरीके के शिफ्ट साथ हो सकती है, 1-2 भी और 1-3 भी हो, दैट इज नोन एज द रैंडम शिफ्ट। तो इन शिफ्ट के कारण क्या हो सकता है, इसमें फ्लक्सुनल बिहेवियर हो सकता है। अब हम इनके एनएमआर बिहेवियर को स्टडी करेंगे। तो यहां पर हमने केवल वो पार्ट दिखाया है जो पार्ट क्या होना है, जो पार्ट हम ईटा वन की तरह जो जुड़ा हुआ है, ये ईटा वन की तरह जुड़ा हुआ पार्ट है जिसकी हम स्टडी करने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर जो सबसे नीचे जो आपको पीक्स दिखाई गई है, एक तो H6 है, H6 यानी ये क्या है, ईटा 5, ये जो है दिस इज द ईटा 5, ये बीच वाला देख लीजिए आप, ये ईटा 5 है क्योंकि 5 हाइड्रोजन है H1 से H5, तो ये पीक को छोड़ देते हैं। अब हम बात करते हैं H6 की और H7 से H10 की। तो हमारे पास क्या है, ये जो है ये H6 है, H6 ठीक है, ये H1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, यानी 6, 7, 8, 9 एंड 10। तो ये हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन है। अब इसमें से जो हाइड्रोजन है अगर लो टेम्परेचर पर होगा तो ये वाला हाइड्रोजन अलग आता है, और बाकी हाइड्रोजन में भी आप देखेंगे जो जो ग्रीन वाले हैं वो डाउन फील्ड जा रहे हैं और जो ब्लैक वाले हैं वो अप फील्ड जा रहे हैं। तो इस तरीके का हमें क्या मिलेगा, लो, देखिए -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें इस तरीके का एनएमआर मिलेगा। जैसे जैसे टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आप ये देखेंगे कि ये देखिए मर्जिंग शुरू, इन दोनों पीक्स की क्या हुई, मर्जिंग शुरू हो गई, ठीक है। और ये वाला भी इनमें क्या होता है, धीरे धीरे मर्ज हो जाता है, इसमें ये मर्ज हो जाएगा क्योंकि ये इंडिस्टिंग्विशेबल हो जाते हैं सारे के सारे जो एच है। और फिर आप देखेंगे कि ये जो ईटा वन की वजह से दो पीक ये थी और एक ये थी, ये सब मर्ज होके एक पीक में रह जाएंगी, और ये जो एक पीक है ये ईटा 5 की आएगी। तो ये पीक तो आएगी ईटा 5 की और ये आएगी ईटा 1 की। तो जनरली 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें ये एनएमआर मिलती है, जबकि -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर हमें ये एनएमआर मिलती है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि हाँ, ये जो पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है इसमें क्या हो रहा है, फ्लक्सुनैलिटी इसमें हो रही है, और ये जो मेटल है इसकी जो पोजीशन है जुड़ने की वो इस ईटा 1 में क्या हो रही है, चेंज हो रही है। यहां पर आयरन 6 से जुड़ा हुआ है, यहां पर आयरन 7 से जुड़ा है, यहां पर आयरन 9 से जुड़ा है, एंड सो ऑन। तो इस तरीके से क्या होगा कि ये दो पीक हमें दिखाई देंगे। दूसरा केस हम देख सकते हैं, अभी मैं आपकी और दिखा रही हूं, दूसरा केस हम और देख सकते हैं यहां पर,
पहले पहले हम इसी को डिस्कस कर लेते हैं। तो अब आप देखिए कि ये जो पीक थी, अब आप यहाँ पर एक बिल्कुल छोटा सा डिफरेंस देखेंगे कि ये देखिए, ये एक छोटा है और एक बड़ा है, एक पहले कोलैप्स करेगा और दूसरा बाद में कोलैप्स करेगा। तो ये हम इससे हम बता सकते हैं कि ये जो कोलैप्सिंग की जो मैकेनिज्म है, जो फ्लक्सिबिलिटी की मैकेनिज्म है, इन तीनों में से कौन सी है, क्या 1-2 शिफ्ट हो रहा है या 1-3 शिफ्ट हो रहा है या दोनों शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये मैकेनिज्म भी हम बता सकते हैं इसको स्टडी करके, जो इसका IR है उसको स्टडी करके हम ये पता कर सकते हैं। तो अब देखिए यहां पर दो डिस्टिंग्विश मैंने आपको किया है कि ये तो 1-2 शिफ्ट है और ये 1-3 शिफ्ट, यहां से हम शो कर रहे हैं। अब आप देखिए कि ये मेटल सेंटर किससे जुड़ा है, HC से जुड़ा है। तो HC जो है वो पहले क्या था, HC था। अब ये मेटल ने 1-2 शिफ्ट किया, ये मेटल कहां चला गया, यहां पर चला गया, या रिंग विजिंग किया, आपकी रिंग विजिंग करके ये वाला जो सेंटर है इस मेटल के साथ जुड़ गया। तो ये जो HC था ना पहले, अगर 1-2 शिफ्ट होगा तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, HS में, क्योंकि ये मेटल जो है वो यहां आ जाएगा। या फिर अगर यहां 1-2 शिफ्ट हुआ तो ये वाला HC, या तो ये यहां शिफ्ट हो सकता है या ये यहां शिफ्ट हो सकता है। तो HC जो है HS में कन्वर्ट हो सकता है या इस HS में ट्रांसफॉर्म हो सकता है, मतलब क्योंकि उसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी। अगर ये मेटल यहां पर होगा, अगर ये मेटल यहां पर होगा तो पहले ये क्या है, HS है, और अगर यहां से 1-2 शिफ्ट होता है तो ये HS या तो HC में कन्वर्ट होगा या HA में कन्वर्ट होगा, या तो ये HA में कन्वर्ट होगा या ये HC में कन्वर्ट होगा। अगर अब ये मेटल सेंटर यहां पर आ गया, मान लीजिए ये मेटल सेंटर यहां पर है, अगर यहां पर मेटल सेंटर आ गया, अब उसमें अगर 1-2 शिफ्ट होगी तो ये या तो इसके साथ एक्सचेंज करेगा या इसके साथ एक्सचेंज करेगा। तो जो HA है या तो वो HA में कन्वर्ट होगा या वो HS में कन्वर्ट होगा। देखिए ये लाइन, अब मान लीजिए मेटल यहां पर है, अब अगर ये मेटल शिफ्ट करता है 1-2 शिफ्ट, तो या तो ये यहां एक्सचेंज करेगा या ये यहां एक्सचेंज करेगा। ये एक्सचेंज बहुत फास्ट है, ये एक्सचेंज होते रहेंगे। तो या तो 1-2 शिफ्ट होगी या 1-3 शिफ्ट होगी। तो 1-2 शिफ्ट हम समझ रहे हैं हर एक पोजीशन की। अगर ये पोजीशन होगी तो यहां पर HA जो था पहले, या तो वो HS में कन्वर्ट हो जाएगा या फिर वो HA में कन्वर्ट हो जाएगा, एक्सचेंज होगा। और या ये पोजीशन हो सकती है पांचवी पोजीशन, जहां पर HS है और HS HC में कन्वर्ट हो सकता है या HA में, HS HC में कन्वर्ट हो सकता है या HA में। तो ये पांच पोजीशन है, ये पांच पोजीशन पर मेटल सेंटर जुड़ा हो सकता है। और अगर हम इसकी स्टडी करेंगे तो आप ये देखेंगे कि HC जो है वो HS में कन्वर्ट हो जा रहा है, यानी जो HC है जब वो एक्सचेंज कर रहा है तो वो दो HS की पोजीशन को चेंज कर दे रहा है, दोनों HS की कंप्लीटली। ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, इसके साथ भी एक्सचेंज कर रहा है, इसके साथ भी एक्सचेंज कर रहा है। अगर आप HS को देखेंगे तो ये भी एक्सचेंज कर रहा है, HS भी क्या कर रहा है, एक्सचेंज कर रहा है, बदल जा रहा है। देखिए HC से HS में कन्वर्ट हो जा रहा है और HS से HC और HA में कन्वर्ट हो जा रहा है, लेकिन और HS देखिए HC या HA में कन्वर्ट हो जा रहा है। लेकिन अगर आप HA को देखेंगे तो HA हाफ कन्वर्ट हो रहा है, HA जो है या तो जो है वो HA में कन्वर्ट हो रहा है या HS में कन्वर्ट हो रहा है, या तो HA में कन्वर्ट हो रहा है या HS में कन्वर्ट हो रहा है। तो जब भी HA वाली पोजिशन पर अगर मेटल सेंटर है तो वो केवल हाफ एक्सचेंज हो रहा है, हाफ एक्सचेंज नहीं हो रहा है। तो अगर हम HA को देखेंगे तो ये केवल हाफ टाइम एक्सचेंज हो रहा है, जबकि HS और HC जो है वो पूरी तरीके से हर समय एक्सचेंज हो रहा है। अगर 1-2 शिफ्ट होगी तो HC और HS क्या होंगे, हर समय शिफ्ट होंगे, क्योंकि HS एक्सचेंज होंगे, हर समय एक्सचेंज हो रहा है, कंप्लीट एक्सचेंज हो रहा है, HC का HS के साथ या HS का HA और HC के साथ। जबकि HA का जो एक्सचेंज हो रहा है या तो HA के साथ ही हो रहा है या HS के साथ हो रहा है। तो यहां पर जो एक्सचेंज हो रहा है वो हाफ हो रहा है और यहां पर एक्सचेंज फुल हो रहा है। तो जहां पर एक्सचेंज फुल हो रहा है यानी जल्दी जल्दी हो रहा है, यहां पर जो एक्सचेंज है वो जल्दी जल्दी हो रहा है, मतलब HC और HS का जो एक्सचेंज है वो फास्टर है और HA का जो एक्सचेंज है वो क्या है, स्लोअर है। अब आ जाते हैं हम यहां पर आ जाते हैं। तो यहां पर ये HS है और ये HA है। तो आप ये देखेंगे जो HS है, आपने देखा जो HS है उसका तो फास्टर है क्योंकि वो दोनों हर टाइम जो है वो बदल रहा है, इसका एक्सचेंज फास्टर और इसका एक्सचेंज क्या है, स्लोअर है। तो HA का जो 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 एक्सचेंज है वो स्लोअर है, वो आपको इस स्पेक्ट्रा में कोलैप्सिंग के दौरान दिखाई देगा कि जो HS है वो जल्दी से कोलैप्स होगा और जो HA है वो जल्दी कोलैप्स नहीं होगा। तो ये धीरे धीरे कोलैप्स होगा, ये जल्दी से कोलैप्स, देखिए कोलैप्सिंग जल्दी हो रही है इसकी धीरे धीरे हो रही है। तो अगर हमें इस तरीके का स्पेक्ट्रा मिल रहा है, मतलब 1-2 शिफ्ट हो रही है और हमें 1-2 शिफ्ट वाला ही मिलता है, हमें इसी तरीके की कोलैप्सिंग मिलती है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में, जहां पर ये फास्ट कोलैप्स करता है और ये फास्ट कोलैप्स नहीं करता है, इसलिए ये जो शिफ्ट है ये 1-2 शिफ्ट है। दूसरा एग्जांपल आपको बता रही हूं 1-3 शिफ्ट का। आप देखिए ये मेटल सेंटर यहां था, अगर ये 1-3 शिफ्ट करता तो या तो यहां से यहां एक्सचेंज करता या यहां एक्सचेंज करता। तो HC जो है या तो HA में कन्वर्ट हो रहा है या HA में कन्वर्ट हो रहा है। तो HC HA HA में कन्वर्ट हो रहा है, मान लीजिए यही मेटल सेंटर यहां होता तो जब ये 1-3 शिफ्ट करता या तो ये इसके साथ एक्सचेंज करता या
एक्स के साथ एक्सचेंज करता, तो एच एस जो है एच एस के साथ एक्सचेंज करेगा या एच ए के साथ एक्सचेंज करेगा। अब मान लीजिए ये मेटल यहां पर था, यहां पर एच ए था और एच ए एच एस के साथ एच सी के साथ एक्सचेंज करेगा या एच एस के साथ एक्सचेंज करेगा। ये जब आप देख लेंगे, नोट करेंगे इसको, इस पर्टिकुलर को इस 1-3 पोजिशन के साथ हर एक कार्बन सेंटर से एक्सचेंज करके देखना है, तो आप ये देखेंगे कि जो एच सी है ये हर टाइम एक्सचेंज हो रहा है। देखिए एच सी एच ए से एक्सचेंज हो रहा है या एच ए से एक्सचेंज हो रहा है, या फिर जो एच ए है वो भी एक्सचेंज हो रहा है, देखिए एच एस से एक्सचेंज हो रहा है या एच सी से एक्सचेंज हो रहा है, तो ये ऑल टाइम एक्सचेंज हो रहा है। जबकि जो एच एस है ये हाफ टाइम एक्सचेंज हो रहा है, क्योंकि ये एच एस के साथ ही एक्सचेंज हो रहा है, हाफ टाइम और हाफ टाइम ये एच ए के साथ एक्सचेंज हो रहा है। तो जो एच एस है वो धीरे धीरे एक्सचेंज हो रहा है और जो एच सी एच ए है वो जल्दी जल्दी एक्सचेंज हो रहा है। तो इससे क्या होगा, जो एच एस है वो धीरे धीरे कोलैप्स करेगा, जबकि एच सी और एच ए जो है वो फास्ट कोलैप्स करेंगे, जो कि हमको इससे दिखाई देगा। आप यहां पर देखेंगे कि ये देखिए यहां पर जो कोलैप्सिंग है, यहां पर एच एस की फास्ट है और इसकी धीरे धीरे, ये कोलैप्सिंग जो है वो धीरे धीरे, इस तरीके का अगर हमें एनएमआर मिलेगा, डायनेमिक एनएमआर, तो हम ये को ये पता चल जाएगा। यहाँ पर हमने जो जो एच सी और यही केवल हमने किसका दिखाया है, ईटा वन का ही दिखाया है, बीच का जो पीक है उसको हमने नहीं दिखाया है, हमने केवल इतना पार्ट दिखाया है आपको, ये वाला पार्ट नहीं दिखाया, केवल ये और ये पार्ट दिखाया है, ठीक है। तो यहाँ पर जब कोलैप्सिंग होगी तो ये तीनों मिलके ये एक पीक में कन्वर्ट हो जाएंगे और -21 से, अगर हम इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं, कॉपर का कॉम्प्लेक्स है, तो -21 पर, देखिए -21 पर एक पीक मिल रही है और -63 पर हमें ये डिस्टिंग्विश हम कर पा रहे हैं। अगर 1-3 शिफ्ट हो रही होती ना, तो 1-3 शिफ्ट में क्या होता है कि ये जो है एच ए ये फास्ट कोलैप्सिंग होती, तो ये फास्ट कोलैप्सिंग होती क्यों, क्योंकि एच ए जो है वो ऑल टाइम क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, एक्सचेंज हो रहा है, तो एच ए की कोलैप्सिंग फास्ट होगी और इस तरीके से ये जो पीक्स थी ये एक सिग्नल में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी दो का एक सिग्नल हमें मिलेगा। और अगर रैंडम हो रही होती तो दोनों की कोलैप्सिंग क्या होती, साथ होती। तो इस तरीके का अगर हमें मिलेगा जो सिग्नल है एनएमआर पर, तो इसका मतलब रैंडम शिफ्ट है। अगर इस तरीके का मिलेगा कि ये वाला पार्ट जल्दी कोलैप्स हो रहा है, तो 1-3 शिफ्ट है, और अगर ये पार्ट कोलैप्स जल्दी हो रहा है तो 1-2 शिफ्ट है। और जनरली जो शिफ्टिंग है, जनरली जो स्टडी की गई है वो 1-2 शिफ्ट है, और जनरली इस तरीके के जो एनएमआर सिग्नल्स हैं वो हमें मिलते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं एनएमआर सिग्नल की। तो इस तरीके से आपने देखा कि ये जो डिफरेंट टाइप के जो मॉलिक्यूल्स हैं वहां पर कैसे कैसे एक्सचेंज होता है। यहाँ पर अब और हम एक तरीके का और आपको दिखा रहे हैं एक्सचेंज, ये एनएमआर एक्चुअली जो टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स है, यहाँ पर भी एक बार आपको दिखाते हैं कि टाइटेनियम के कॉम्प्लेक्स में जहां पर 2 ईटा 5 है और 2 ईटा 1 है, उसमें किस तरीके से फ्लक्सियनल बिहेवियर वो शो करता है। तो यहाँ पर 2 तरीके के एक्सचेंज होते हैं जनरली। टीआई का जो कॉम्प्लेक्स है कुछ इस तरीके का कॉम्प्लेक्स है, ये यहाँ पर जो 2 रिंग है वो ईटा 5 है और 2 रिंग क्या है, ईटा 1 है, तो ये ईटा 5 है और ये क्या है, ईटा 1 है। तो ईटा 1 और ईटा 5 जब इस तरीके से अरेंज्ड होंगी तो फिर आप देखेंगे कि यहां पर क्या होगा, ये ईटा 1 है और ये भी ईटा 1 है। तो यहां पर 2 तरीके के एक्सचेंज पॉसिबल है, 2 तरीके के एक्सचेंज तो ऐसे पॉसिबल है। एक तो यह है कि ईटा 5 जो है ये ईटा 1 में कन्वर्ट हो जाए और ये ईटा 1 ईटा 5 में कन्वर्ट हो जाए, और दूसरा एक्सचेंज इसके अंदर होगा जो कि अभी हमने देखा ईटा 1 में एक्सचेंज। तो आप देखेंगे कि माइग्रेशन ऑफ टीआई अराउंड ईटा 1 यानी रिंग विजिंग, यानी ईटा 1 के अराउंड रिंग विजिंग हो सकती है, यानी जो कि 1-2 शिफ्ट से होती है, ठीक है। वेरी लो एनर्जी प्रोसेस है ये, बहुत लो एनर्जी प्रोसेस है, जल्दी जल्दी होती है जो ईटा 1 के अंदर होती है रिंग विजिंग। और एक क्या हो सकता है कि एक्सचेंज हो ईटा 5 का ईटा 1 के साथ, ये हाई टेम्परेचर पर होता है जो एक्सचेंज है, ये इतना फास्ट नहीं है एक्सचेंज, ये जो है वो रूम टेम्परेचर पर होता है। तो लो टेम्परेचर पर क्या होता है, एक तो सिंगलेट मिलेगा सिग्नल में और एक मल्टीप्लेट मिलेगा, मल्टीप्लेट ईटा 1 का मिलेगा और एक सिंगलेट मिलेगा, ठीक है। और अगर हम हाई टेम्परेचर पर देखें तो केवल एक ही पीक मिलेगी, जो 20 के 20 प्रोटॉन्स हैं, 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें 5 इसमें, तो ये 5 के 5 बहुत हायर टेम्परेचर पर एक पीक देंगे, 20 के 20 प्रोटॉन एक ही जगह पर, क्योंकि इसमें हायर टेम्परेचर पर दोनों टाइप के एक्सचेंज होंगे, यानी ये दोनों भी एक्सचेंज होंगे और इसमें रिंग विजिंग भी होगी, तो इतना फास्ट होगा सब कुछ कि सारे प्रोटॉन बराबर हो जाएंगे। लेकिन अगर ये लो टेम्परेचर पर इसका हम देखें एनएमआर, तो क्या होगा, एक सिंगलेट मिलेगा, इसकी वजह से ईटा
ईटा फाइव की वजह से, क्योंकि ये बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है और ये जो है वो ये क्या होगा, ये फास्ट होता है, ये थोड़ा स्लो होता है, इसलिए आप देखेंगे कि ये जो है इसकी वजह से मल्टीप्लेट मिलेगा और इसकी वजह से सिंगलेट मिलेगा। तो इस तरीके से हम डिफरेंट जो जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें ईटा फाइव साइक्लोपेंटाडाइनाइल रिंग होती है प्रेजेंट, उनके हम ईटा फाइव या ईटा वन उनके फ्लक्सियनल बिहेवियर को डिस्कस कर सकते हैं। तो अगेन आई विल रिवाइज, मैं रिवाइज कर रही हूं, यहां पर आपने देखा कि जो डाइनाइल अगेन ईटा वन और ईटा फाइव की तरह जुड़ सकता है, इसकी वजह से इट शोज फ्लक्सियनलिटी, और जो फ्लक्सियनल बिहेवियर है ये हम डायनेमिक एनएमआर से देख सकते हैं। और जनरली ये जो कॉम्प्लेक्स है, स्पेशली अगर ईटा वन और ईटा फाइव दोनों फॉर्म में प्रेजेंट हो जो डाइनाइल है, तो ईटा वन में क्या होता है, रिंग विजिंग होती है, और रिंग विजिंग की वजह से हाई टेम्परेचर पर ये जो पांच प्रोटोन है ये एक ही जगह पर दिखाई देते हैं, एक सिग्नल इनका आता है और एक सिग्नल ईटा फाइव के पांच प्रोटोन का आता है। और इसको अगर हमें स्टडी करना है तो फिर हमें डायनेमिक एनएमआर देखनी होगी। तो आपने देखा कि ये जो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल था, यहाँ पर जो हेप्टिसिटी है वो चेंज नहीं होती, ईटा वन की ईटा वन रहती है, रिलेटिव पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बदल जाते हैं, आपने देखा हाइड्रोजन की पोजीशन बदल जाती है, रिलेटिव पोजीशन बदल जाती है, लेकिन वो इनडिस्टिंग्विशेबल है। और ये कहां पर होती है, अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक रिंग्स यहां पर प्रोड्यूस होती है। जनरली ये जो शिफ्टिंग है यहां पर ईटा वन में तीन तरीके की होती है, 1-2 shift, 1-3 shift एंड रैंडम शिफ्ट। और ये अगर हम स्टडी कर सकते हैं एनएमआर के थ्रू कि ये 1-2 हो रही है, 1-5 हो रही है, कि 1-3 हो रही है या रैंडम हो रही है। दूसरा आपने देखा कि यहां पर जो जो हायर टेम्परेचर पर जो ईटा वन के जो हाइड्रोजन है वो क्या होते हैं, कोलैप्स हो जाते हैं, उनके जो सिग्नल then we will get one signal due to eta 1 and other due to eta 5. अब यहां पर मैंने आपको ये समझाया कि 1-2 shift क्या होती है और 1-3 shift क्या होती है, उसको हम NMR से बता सकते हैं। 1-2 shift का मतलब है कि अगर ये metal center यहां पर है तो ये जो इसका जो hydrogen है, क्योंकि ये अगर यहां shift हो जाता है तो जो HC जिसका नाम था वो HS हो जाएगा, ठीक है, यानी मेटल एचएस वाले के साथ जुड़ जाएगा। और अगर यहां पर रिंग विजिंग होती है तो ये मेटल एचएस वाले के साथ जुड़, यानी जो एचसी था वो एचएस या एचएस में एक्सचेंज हो गया। अगर यहां पर मेटल सेंटर को माने तो एचसी और एचए में चेंज हो जाएगा जो एचएस है। तो इस तरीके से हम ये इसको जब हम एक जिस्ट निकालेंगे तो हम ये देखेंगे जो एचए है वो हाफ टाइम एक्सचेंज हो रहा है जबकि एचएस और एचसी फुल टाइम एक्सचेंज हो रहा है। तो इस एक्सचेंज की वजह से क्या होगा, फास्ट एक्सचेंज होगा एचसी एंड एचएस में, जबकि यहां पर फास्ट एक्सचेंज नहीं होगा। तो HS या HC पहले कोलैप्स करेंगे और यहां पर HA पहले कोलैप्स करेगा, जो कि हमें इनके NMR सिग्नल से पता चल जाएगा कि HS की कोलैप्सिंग हो रही है तो 1-2 शिफ्ट है, HA की कोलैप्सिंग हो रही है तो 1-3 शिफ्ट है, और अगर दोनों बराबर कोलैप्स कर रहे हैं तो इसका मतलब रैंडम शिफ्ट है। और स्टडी से ये पता चला कि जनरली जो शिफ्टिंग है वो 1-2 शिफ्ट होती है। और एक एग्जांपल हमने और देखा जो कि टाइटेनियम का कॉम्प्लेक्स था, और आपने देखा कि यहां पर क्योंकि चार रिंग्स ही हैं जहां पर ईटा फाइव और ईटा वन रिंग्स हैं, तो आपने देखा कि यहाँ पर दो तरीके के एक्सचेंज पॉसिबल हैं, जो एक्सचेंज ईटा वन का ईटा फाइव के साथ ये एक्सचेंज हो सकता है, बट ये जो एक्सचेंज है बहुत हाई टेम्परेचर पर होता है, और जो ईटा वन के अंदर जो एक्सचेंज होता है वो बहुत फास्ट है और वो जल्दी हो जाता है। तो जनरली बहुत हाई टेम्परेचर पर तो ये सारे प्रोटॉन एक सिग्नल देते हैं, लेकिन अगर लो टेम्परेचर होगा तो उस टेम्परेचर पर आप देखेंगे एक सिंगलेट इसका आएगा, एक मल्टीप्लेट इसका आएगा, और एक सिंगलेट किसका आएगा, इसका आएगा। तो ये जो एक्सचेंज है ये फास्ट नहीं होगा, केवल रिंग विजिंग उसमें होगी, और हाई टेम्परेचर पर रिंग विजिंग भी होगी और साथ में ये एक्सचेंज भी होगा ईटा वन का और ईटा फाइव का। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लक्सियनल बिहेवियर ऑफ ईटा फाइव, जो डाइनाइल कॉम्प्लेक्सेस है उनके फ्लक्सियनल बिहेवियर को आपने देखा कि कैसे जो प्रोटॉन्स है वो डिफरेंट एनवायरमेंट होने के बावजूद भी वो एक ही जो शिफ्ट है वो शो करते हैं, केमिकल शिफ्ट, और दैट कैन बी डिस्टिंग्विशेबल ओनली एट लो टेम्परेचर। तो लो टेम्परेचर पर उसको हम क्या कर सकते हैं, डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द फ्लक्सियनल बिहेवियर ऑफ ईटा फाइव डाइनाइल ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स। सो थैंक यू वेरी मच।